अच्छा ऐसो यार डॉक्टर साहब के दिल को रोग भी चलतो रहे और आदमी ऑपरेशन ना करावे और चल जाए। ऐसा तो नहीं है एडवाइजेबल, लेकिन ये किस तरह लो सपोज करो कोई ऐसी बीमारी है जिहड़ी नाल कंबीनेशन विच कि दिल की बीमारी भी है, तो हम रिस्क ऑपरेशन करना उस रिस्क है, हाँ और भी तो बीमारी है फिर ना। दवाइयां नाल ही चलेगा काम। अच्छा दवाई मतलब दवाई ऐसी है कि वे हाँ कंटिन्यूटी। बिल्कुल, इस वजह है कि दवाई तो अदरवाइज भी खानी पड़ेगी, फिर अगर ऑपरेशन करा भी दवाई तो अच्छा खानी। जनाब ऑपरेशन हो गयो, मिसाल के तौर के ऊपर एक मरीज है उसको ऑपरेशन हो गया है, उसने वाल भी लगवा ली हो या उसका जो भी ऑपरेशन ओपन हार्ट सर्जरी हो चुकी हुई है, उसने तम के एडवाइस करेंगे के नसीहत उसके करेंगे। बच्चे सब तो एक जरूरी जी जिन्हें बैल पाए हुए बच्चे, अगर बैल भी उन्हें बदले उसको, सब तो इंपॉर्टेंट काम है कि उसनों एंटी कोगुलेशन दवाई एक वह खानी, खून टपक रेगुलर रहा खानी है। वह नहीं छड़नी। हालांकि इस तरह के हुआ कि ग्राम लोग चला जाए फिर वह दवाई उसनों वह बंद कर दे, एक दो दिन बंद की तो उसके नाल हुआ कि वो क्लाट जमा हो जाए उसके बैल्ब के ऊपर, तो बैल्ब फिर खराब हो जाए, बंद करनो मतलब वो काम ठीक करना है बंद कर सके, ठीक है तो वो बड़ा हमें दरपेश आवे मुश्किल कि लोगों को कन्विंस करना पे कि भाई यह चीज़ बाकी सब छड़ दो लेकिन यह नहीं छड़नी। तो अच्छा यानी सर कदे कदे क्या हुआ कि कई लोग आ गए क्या बेचारा कि हमारे को पैसा नहीं था तो इस करके हम खा नहीं सके या दवाई, तो भाई जा कहीं दसता नहीं फिर डर के मतलब वह मारे। लगातार जड़ी दवाई दसी हुई है वह कर रहे हैं वह खाते रहे। अच्छा फिर के निशानी वह जी उसने दोबारा आ जाना चाहिए डॉक्टर साहब को। देखो अगर जो सिम्टम पहला था अगर ज़्यादा रिकरेंस हुआ उनकी, ज़्यादा तकलीफ हुए, सांस चढ़े, सोजिश हो जावे, दर्द फिर हुए, दोबारा तो और फॉलोअप तो रेगुलर चाहिए ना इसके वजह, उसके वजह 3 महीने बाद, 5-6 महीने बाद, साल बाद करनी पवे। साल साल के बाद कर यू कैन जी डिस्प्रीन जड़ी है वह तम अपने को ले रखो। जी, डिस्प्रीन को के है, डिस्प्रीन डिस्प्रीन सस्ती या दवाई के है। जी उन्होंने गलगी ना उनकी खून पतलो करे, या वह चीज़ है कि खून ये जमन दे बचावे, अच्छा नहीं जमन दे क्लाट नहीं सर। बने। अच्छा इसके वजह खासकर आर्मी में चाहिए और रूल है, और BSF में भी रूल है कि हर जवान के पास एक डिसिप्लिन होनी चाहिए खासकर सर्दियों में। हाँ अच्छा सर्दियाँ माँ इज अ मस्ट। अच्छा उसके नाल यह होगा कि खासकर जैसे दर्द हो किसी ने सपोज करो कि चेस्ट में पेन हो गई, एक डिसिप्लिन की टिक्की खिला उड़ेगा तो शायद वह कम कर जाए जब तक कि उसके टर्शरी केयर सेंटर में पुज जाए तो उसको इलाज हो। अच्छा जी यो कहें कि मतलब एक आम आदमी है वो कह जी मिन्ना हार्ट ना थोड़ा प्रेशर आवे लगो जिस तरह नाल वो गैस को भी प्रेशर हो सके या कुछ या उस उसना कुछ दबाव फील हुए मतलब कंप्रेशन हो गया कि मतलब मतलब कंप्रेशन है तो मतलब कि वो खराबी ज़्यादा चांस है कि दिल का। दबाव है ऊपर हाँ सीना पर दबाव है। लोग आम समझे कि दर्द नाल ज़्यादा खराबी है, उसके नाल ही जी मिठी दर्द है और प्लस जी मतलब कि छाती जगड़नी या कंप्रेशन आनी वह ज़्यादा पॉइंट आउट करे कि ये दिल की प्रॉब्लम दिल है। की बीमारी है मतलब ज्यादा प्रेशर होना। प्रेशर होना और अच्छा जनाब एक किसी बंदा ना अचानक हार्ट अटैक हो आ गयो उसकी के सिम्टम्स हैं कि इसना हार्ट अटैक ही आया कोई और नहीं है। सडन इसके जो है कि इंसान को दर्द हो ही अचानक हाँ मतलब सीना में सीना या में और छाती में और बाजू में प्लस ठंडा पसीना आना, अच्छा पसीनो आ गया। अच्छा अचानक उस पसीना आना और फीलिंग ऑफ डाइंग अच्छा फिर के मतलब मतलब कि ऊँच सही चले होगा हाँ ना, मतलब हाँ 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 कि मौत कि को तो हाँ इतना कि बिल्कुल ऊँच बिल्कुल चले जी बस बस बिना इसको बचाओ। इस पे ये होगा कि जितना जल्दी हो सके अगर डेस्पिरिन एस्पिरिन वगैरह वो भी दे सके तो अच्छा ऑन स्पॉट है अवेलेबल, तो प्लस उसने शिफ्ट करना चाहिए हॉस्पिटल। यू कैन जी के उल्टी हुई जी फलाना ना फिर इसना पहला यह सिम्टम था वे उल्टी भी कोई सिम्टम है नहीं पेट उल्टी तक। दे मतलब वो है जस्ट कदे कदे उल्टी भी हो सके अचानक, मतलब विकास ऑफ द प्रॉब्लम कि बिल्कुल ही अचानक बंदो मतलब कि पिस्सा चढ़ गयो, बेहोश हो गयो, या उसनों के ना इसको पसीना आ गयो, तो अच्छा वो ऐसे नॉशिटिंग जड़ी फीलिंग है कदे वाह कदे। वाह वाह। अच्छा डॉक्टर साहब ये दसो कि अगर किसी ना मतलब उसका माँ बाप की तरफों बाप दादा की तरफों नाना की तरफों इस तरह की कोई चीज़ जड़ी है चलती आ वाली है वह भी ज़रूरी है कि हाँ हो वो सके नहीं, हेरिडिटरी जिसने उसके वजह भी जो कंजेंटल जो डिफेक्ट है खासकर दिल की बनावट का वो मतलब वो ये जा सके। अच्छा ये जो कहें जी मूँ तो हार्ट को बीमार हाँ तो हूँ तो मैं कुछ करनो नहीं या जड़ी है जिंदगी हूँ मुक गई है या इस तरह नहीं को कोई ऐसी चांस ऐसी चांस। फीलिंग नहीं होनी चाहिए अच्छा इंसान, जिहड़ा बाकी लोग है उन्हें इनकरेज करना चाहिए कि ठीक होने वाली बीमारी है ठीक हो जाएगा,
स्पोर्टिव जी है, स्पोर्ट बड़ी जरूरी है फैमिली। अच्छा के नहीं करना चाहिए जी हार्ट को जो जिसको ऑपरेशन हो जाए उसने के नहीं करना? उसके भी देखो इमीजिएटली दे जो हमने छाती खोली हुई है उससे सोन को हम दसांगे किस तरह सोनो है। अच्छा। कम ज़्यादा नहीं करना है। अच्छा। ताकि उनका असर हुए। अच्छा। प्लस बाकी फिर जो आस्ता आस्ता जल्द ठीक होएगा पार तो नहीं चकनो पार मतलब पहला तो नहीं चकनो बाद में आस्ता आस्ता देखें नॉर्मल रूटीन में जाके कम थोड़ा बहुत कर सके। अच्छा, लेकिन कहीं 100% वापस तो आना मुश्किल है। 100% वापस आना मुश्किल है। अच्छा के मतलब केन जी के इसना हार्ट की बीमारी है जी तो इसना वह गल नहीं सुनानी का है शॉकिंग याद है इसके वजह देखो इंडिविजुअल पर डिपेंड करे। अच्छा। कोई भी इंसान है अगर अचानक किसी शॉकिंग कोई सुने गल तो असर ऐसा कुछ है सर असर तो है ऐसी गल नहीं। अच्छा अच्छा हार्ट के ऊपर असर है असर होने नहीं जल अचानक कोई स्ट्रेस पे हो दिल के ऊपर पड़ना ऐसा लोगों ने क्या करना चाहिए किस तरह दसना चाहिए मतलब आस्ता आस्ता नहीं हाँ मतलब वो तो नॉर्मल नॉर्मल इंसान में भी इससे दसना चाहिए क्योंकि सो दैट वो अचानक उसने कोई चटचटकोने लगे ना चटकोने लगे वो तो बात है। तो आखिर में डॉक्टर साहब हम पूछने लगा हूँ आखिरी सेगमेंट की तरफ इस नाना प्रोग्राम की की दसना चाहेंगे जिन्होंने नहीं है दिल को रोग और जड़ा मतलब अपना अपना बचाना चाहे उन्होंने वास्ते के मशहूर है? देखो एक तो जी कंजेंटल डिफेक्ट है वो तो किसी का बस नहीं है जमांदरू है वो तो है वो तो है नहीं बस में बाकी जो बस में रह जाए कि एक्वायर्ड डिजीज है वो बहुत ज़्यादा है और हमने चाहिए कि डाइट अपनी साफ रखा डाइट में मतलब डाइट में फ्रूट को इस्तेमाल ज़्यादा करा ठीक है ना सैलेड एक्सरसाइज रखा। अच्छा अच्छा ते एक्स्ट्रा खाना बंद करा एक्स्ट्रा मतलब जो जरूरत ज्यादा है। अच्छा ओवर ईटिंग नहीं करनी बाकी स्मोकिंग मतलब स्मोकिंग होगी मतलब के ड्रिंक्स वगैरह होगी। अच्छा शराब नहीं पीनो सिगरेट नोशी तुम परहेज करना बिल्कुल बिल्कुल बाकी ये कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है डायबिटीज को कंट्रोल करना प्रेशर को कंट्रोल करना। अच्छा अगर मतलब आजकल तो इंडियनों ने कहा भाई हमें डायबिटीज़ को खजानों है खजानों खजानों है क्योंकि इसके रीज़न बड़ा है सेडेंटरी हैबिट्स है पैसा वाले लोगों को ले कम कम कट कर रहे हैं तो सोएं ज़्यादा मतलब हरकत रखनी जी अपना हरकत है बिल्कुल ताकि दिल जो थारो चलते रहे उसकी नाड़ी चलती रहे तो वो ताई चलेगी जल्द कम करे के ना के मतलब खुशहाल दिल जो हेल्दी दिल हेल्दी दिल अच्छा अच्छा ग्रीन का हेल्दी दिल तो हम किसने कहेंगे हेल्दी दिल तो वही है जो इंसान जो दिल जिसको वो अपना पूरा काम करे पे हो और उसकी निशानी यह है कि प्रेशर नहीं है ब्लड प्रेशर नहीं रेट ठीक है। अच्छा हार्ट बीट रेट बीट अगर कट है तो बड़ी अच्छी है कट ज़्यादा कट भी नहीं होनी चाहिए लेकिन है कि जिस जो एथलीट है उसकी हार्ट रेट जो कट हुए 60-70 के बीच रहे मतलब एवरेज कितना हुआ सर एवरेज 72 थे 72 मोड रहना चाहिए। अच्छा ब्राइब टिक नहीं होने चाहिए वो मतलब ज़्यादा होएगा तो इसका मतलब रीज़न बड़ा है कि और है कि शायद कोई बीमारी हुई जी जी और जो रोगी हैं तब उन्होंने कहें कि भाई दवाई जड़ी दीती है रोगियों ने दवाई जड़ी दीती है उसको इस्तेमाल कर लो है पूरा जिस तरह दस उस तरह करना है खुश तो रहना है। चलो डॉक्टर साहब खुश रहन गा इसी जुमला के नाल हम थारा तमना थारा शुक्रिया अदा करा डॉक्टर साहब कि डॉक्टर नूर अली साहब तम तशरीफ लाया और तुमने इतना वक्त कढ़ी और हमारा लोगों ने जानकारी दी और हम इंतहाई शुक्रगुजार हैं थारा। चलो मैं अपनी तरफ थारा शुक्रिया अदा करा कि तुमने उन्होंने मौको दिता ताकि अपना लोगों ने रूबरू हो सका शुक्रिया बहुत बहुत। नाजरीन ये था डॉक्टर नूर अली साहब जेड़ा कि कार्डियक सर्जरी का हेड और प्रोफेसर हैं मेडिकल कॉलेज जम्मू में। इनके नाल आज हमने गल की दिल का रोगों के बारे में आइंदा आते तड़े किसी होर शख्सियत नाल थारी मुलाकात करावांगा। नाजरीन मिन्ना मेरी टीम राकेश कुमार संजय कुमार और ऑनलाइन एडिटर लवली कुमार नाल दियो इजाज़त रब रखो। चढ़ो चैत चे तो तेरो नहीं पुल तो तेरी कसम बेसाख बेसारे ओनी।